हेलो फ्रेंड्स, सुनास क्रिएटिविटी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करेंगे हम, ये देखिए मोती और पाइपिंग से बना हुआ टूरन पट्टी डिज़ाइन। बहुत ही सिंपल और बहुत इजी है। देखिए बहुत इजी है, हमें बस देखिए साइड साइड में बिनना है। बहुत कम समय में बहुत जल्दी बनने वाली टूरन पट्टी है ये, और देखने में कितनी प्यारी है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। देखिए एक कलर से बनाया है, देखिए ब्लू कलर से और वाइट ये मोतियाँ लगाई हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। देखिए इस तरीके से, ये देखिए ऐसी टूरन पट्टी कितनी खूबसूरत है। और इसमें हम जब हमने यहाँ मोती और पाइपिंग लगाया है, यहाँ पे देखिए ये हमने वाइट वाली मोतियाँ लगाई हैं और ये पाइपिंग लगाया है, तो यही वाला प्रोसेस हम इसमें डिज़ाइन भी बनाएंगे। तो यही सेम प्रोसेस, इसीलिए हमने इस तरीके से मोती और पाइपिंग लगाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, किस तरीके से टूरन पट्टी को हम बनाएंगे बहुत ही ईजी वे में। ये देखिए हम रेड कलर से बनाएंगे ये वाली टूरन पट्टी, ये देखिए रेड कलर से बनाएंगे। और देखिए हमने नीडल डाल लिया है, नीडल में थ्रेड डाल लिया है इसी कलर का। और इसमें हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम देखिए हमने ये मोती और पाइपिंग, ये देखिए पॉलिथीन में लेके रखी है, ये देखिए इस तरीके की ये मोतियाँ हैं और यही पाइपिंग हमें लगाना है। देखिए एक बड़े साइज़ का ये पाइपिंग है, हमने इसको कट करके लिया है। देखिए बड़े साइज़ का पाइपिंग है ये देखिए, लेकिन हमने इसे कट किया। आप चाहें तो आप बड़ा भी पूरा फुल लगा सकते हैं, जैसा आपका इच्छा हो वैसा करिए, लेकिन हमें थोड़ा शॉर्ट किया है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए अपनी अपनी चॉइस है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए हमने इसमें थ्रेड में रेड कलर में ये देखिए हमने एक मोती डाल दी। एक मोती के बाद देखिए फिर एक पाइपिंग डालेंगे इस तरीके से, देखिए एक पाइपिंग डालेंगे, फिर दो मोतियाँ डालेंगे। ये देखिए एक मोती, फिर पाइपिंग, फिर दो मोतियाँ लास्ट में और पहले वाले में, यानी कि फर्स्ट वाले में और रो में और लास्ट में सबसे एक मोती पड़ेगी, जैसे ये पड़ी है। अब जब हम बंद करेंगे इसको, फिर एक मोती डाल के बंद करेंगे, दो मोतियाँ नहीं पड़ेंगी। देखिए एक मोती पड़ी है लास्ट में, फिर फर्स्ट में भी हम इस साइड में इधर साइड में एक ही मोती रखेंगे, बीच में केवल दो दो मोतियाँ रहेंगी इस तरीके से। तो आपको हम रेड कलर में बनाकर दिखाते हैं वाली टूरन पट्टी। देखिए पाइपिंग डाला हमने, फिर देखिए दो मोती डालेंगे इस तरीके से, फिर पाइपिंग डालेंगे ऐसे, ये देखिए फिर दो मोतियाँ इस तरीके से। हमने थालपोश भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, जिस तरीके से किस तरीके से थालपोश की डिज़ाइन बनाएंगे। अब देखिए हम इसमें आपका टूरन डिज़ाइन भी बताएंगे, टूरन पट्टी भी बता रहे हैं किस तरीके से बनाएंगे पाइपिंग लगा करके। और बहुत जल्दी तैयार होता है पाइपिंग वाला, ये देखिए इस तरीके से दो दो मोतियाँ बीच में है ना, देखिए दो दो मोतियाँ हैं, फिर यहाँ पे भी हम दो मोती डालेंगे इस तरह से। ये देखिए दो मोतियाँ डालने के बाद एक पाइपिंग, देखिए इस तरीके से, फिर दो मोतियाँ ऐसे, ये देखिए दो मोती डालेंगे और फिर पाइपिंग डालेंगे इसी तरीके से। देखिए हम पूरा पीरो लेंगे, देखिए जितना हमको बनाना होगा, लेकिन हम थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, शॉर्ट दिखाएंगे आपको बता करके, क्योंकि हमने टूरन पट्टी बना लिया है डिज़ाइन बनाने के लिए। ये देखिए दो मोती, स्टार्टिंग एक ही मोती से होगी जब भी करना होगा ऐसे, देखिए इस तरीके से, फिर एक पाइपिंग डालेंगे ऐसे। तो हम पूरा इसको आपको डाल करके इतना फिर दिखाते हैं। ये देखिए हमने, देखिए डाल लिया हमने रेड कलर में ये पूरी, जितना हमें बनाना था उतना डाल लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे, ये देखिए पहले हम एक गांठ लगाएंगे, जिस तरीके से स्टार्टिंग करते हैं उस तरीके से। देखिए हमने पहले एक गांठ लगा लिया ऐसे, गांठ लगाएंगे और देखिए 15 या 20 चेन जितना आपको चाहिए पाइपिंग के अनुसार। अगर आप पाइपिंग लंबा ले रहे हैं बड़ा, तो आप चेन भी अधिक लेंगे, इसको ऐसे नाप लेंगे चेन से ऐसे, पूरे मतलब पूरे पाइपिंग को नाप लेंगे, उतना चेन ले लेंगे और फिर मोती को दो फंदों में ले लीजिए और दो मोती को इधर इस तरीके से एडजस्ट करके हम बना सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं अभी किस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15, देखिए 15 हो गया। अब देखिए हम पाइपिंग को लेंगे और ऐसे नाप लेंगे, हम पाइपिंग और मोती को ऐसे कि देख लेंगे, ये देखिए ऐसे 15, ये देखिए यहाँ पे भी कम पड़ रहा है थोड़ा सा,
ये देखिए इस तरीके से थोड़ा कम पड़ा, थोड़ा सा और बना लेते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20 बना लेंगे, ताकि इधर हम चार डबल क्रोशिया इधर बनेगा, चार डबल क्रोशिया इधर बनेगा, उसके बाद बीच में पाइपिंग और मोती। तो देखिए हमने यहाँ 20 बना लिया, 20 चेन बना लिया, और इसको ऐसे खींचेंगे और जस्ट बगल में डाल के यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे लेंगे फंदा और इसमें ऐसे डाल करके डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो एक हो गया चेन को लेके दो डबल क्रोशिया, देखिए दो हो गया, और फिर बगल वाले में डाल करके इस तरीके से तीन हो गया चेन को लेकर के, और ये नेक्स्ट वाले में फिर मतलब हर चेन में एक डबल क्रोशिया हमको बनाते हुए चले जाना है। इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये देखिए हर चेन में 10, 20 है तो 20 हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरीके से, ऐसे ये देखिए इस तरीके से पूरा रो हमें कंप्लीट करना है 20 डबल क्रोशिया बना करके, क्योंकि 20 हमने चेन लिया था। अब इसको हम कंप्लीट करके फिर बताते हैं कैसे पाइपिंग और मोती लगाएंगे। ये देखिए हमने इतना ये पूरा कवर कर लिया, देखिए इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे, इधर टर्न हो जाएंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डाल करके ऐसे इसमें डाल करके ये देखिए एक इसी जगह पे 2, 3 और ये चेन को लेके 4 डबल क्रोशिया हो गया यहाँ पे। अब जब यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, तो इस थ्रेड को देखिए ऐसे खींचेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे ऐसे, और पाइप पिन और मोती को ले लेंगे ऐसे। ये देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए हमने 2 मोती कर, हमने कहा था ना कि लास्ट में और फर्स्ट में एक ही मोती रहेगी, इस मोती को हम कट करके निकाल देते हैं। देखिए 2 मोतियाँ हो गई इसको, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से यहाँ से हमने थ्रेड को कट कर दिया, एक मोती निकाल लिया। ये देखिए यहाँ पे फिर हमने इस तरीके से एक लास्ट में यहाँ पे मोती रखने दिया। अब देखिए क्या करेंगे, इस थ्रेड को ऐसे खींचेंगे, इस तरीके से खींचेंगे, और इस मोती को ऐसे देखिएगा ऐसे इसमें डाल करके ऐसे खींच लेंगे, ऐसे यूँ खींच लेंगे इस मोती को, और इस थ्रेड को और खींचेंगे ऐसे ऐसे खींच लेंगे, और इस वाले को देखिएगा ऐसे खींचने के बाद इसको इसमें ऐसे डालेंगे। अगर देखिए क्रोशिया पतला है तब आराम से इसमें चला जाए, लेकिन देखिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ये थोड़ा ये क्रोशिया हमारा थोड़ा मोटा है और ये पाइपिंग थोड़ा पतला है, तो हम लकड़ी की सहायता से इसको अंदर डालेंगे। ये देखिए हमने ये लकड़ी ली है, इसी से हम इस पाइपिंग को इसमें डालेंगे धागे में। देखिए इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से किया है, और देखिए इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसमें ऐसे ऐसे देखिए ऐसे पड़े धीरे से ऐसे ऐसे ये देखिए ऐसे निकाल देंगे इसमें से, इस थ्रेड को खींच लेंगे। और इसीलिए हमने पाइपिंग तोड़ दिया था कि बड़े पाइपिंग में भी थोड़ी दिक्कत आती है बनाने में, तो इसको ऐसे लेंगे और देखिए इसको इसमें से ऐसे खींच लेंगे। ये देखिए देखिए ऐसे खींच लेंगे ऐसे, और इस थ्रेड को ऐसे खींचेंगे इस तरीके से थोड़ा ढीला करते हुए ऐसे, और फिर इसको लेंगे यहाँ पे, और फिर इसकी जस्ट लास्ट में हम यहाँ पे देखिए इस जगह पे यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना लेते हैं ऐसे। 1 हो गया 2 ऐसे 2 3 और देखिए 4, देखिए गांठ वाला धागा है वो, 4 डबल क्रोशिया बना लिया, बीच में देखिए हमने इसको ऐसे डाल दिया। फिर यहाँ पे 1 और 2 चेन लेंगे, और देखिए इधर टर्न हो जाएंगे, और यहाँ पे स्लिप चेन लेते हुए इसके बीचों बीच 4 हमने लिया है, तो इसके बीचों बीच में यहाँ पे स्लिप चेन से इसको नॉट लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे गांठ लगा देंगे, उसके बाद से स्लिप चेन लगा देंगे 1, 2 और ये 3, 3 चेन लेंगे और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे चेन को लेकर के 4। तो देखिए 3 बनाना है हमें, चेन को लेकर के 4 बनाना है। इसको ऐसे थोड़ा साइड करेंगे, और देखिए 2 हो गया 2, उसके बाद से यहाँ पे 3, देखिए 2 के बाद 3 और ये लास्ट में 4, देखिए 4 डबल क्रोशिया बना लिया हमने इस तरीके से। और फिर इस थ्रेड को इस तरीके से खींचना है। फिर देखिए हमने कहा था आपसे कि बस मोती को और पाइपिंग को इसमें पिरोना है, बहुत ईजी है, देखिए पिरोने में ही दिक्कत है और कुछ नहीं है, ज़्यादा बुनाई नहीं करनी है, बहुत जल्दी तैयार होने वाला टूटन पट्टी डिज़ाइन है ये,
पाइपिंग वाला, देखने में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा भी है और टफ भी लगता होगा कि कैसे बनेगा, लेकिन बहुत ईजी है। ये देखिए, इसको खींचेंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे। देखिए अगर पाइपिंग, देखिए ये थोड़ी मोटी है, पाइपिंग दो वैरायटी की हमारी, ये थोड़ी मोटी, देखिए हमने इसको इसमें से डाल देंगे। देखिए ऐसे डाल करके इसको पकड़ के ऐसे उसमें से खींच करके ऐसे थोड़ा निकाल देंगे। देखिएगा ऐसे करके इसमें से ऐसे इसको इसमें से ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे निकालने के बाद फिर ये मोती इधर लाएंगे और मोती भी ऐसे ही ये निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से डाल करके इसको ऐसे इसमें खींच करके ऐसे डाल देंगे। तो देखिए ऐसे इसको बराबर करेंगे और फिर सेम यही प्रोसेस ऐसे करते हुए थोड़ा सा, देखिए जब ढीला पाएँ तो इसको थोड़ा खींच लेंगे, एक बराबर कर लेंगे ऐसे। देखिए रेड भी कितना प्यारा लग रहा है, रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन भी। देखिए थोड़ा सा खुल गया, इसको मोती हमारी निकल गई थी बाहर, इसको भी ऐसे लेंगे, इसको इसको डालेंगे और इसमें इसको निकाल देंगे। ये थोड़ा सा टाइट करना है, इसको खींचेंगे और फिर देखिए इसमें डाल करके ऐसे बीचों बीच से निकाल लेंगे। एक हो गया, दो, दो के बाद तीन और ये फिर चार, चार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। यहाँ पर ढीला करेंगे इस तरीके से, देखिए फिर यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक और दो, दो चेन लेंगे हम और फिर स्लिप चेन लेते हुए यहाँ बीचों बीच में आएंगे इस तरीके से। देखिए और एक और दो चेन लेंगे, ठीक है दो चेन लेंगे, आपको दिखा देते हैं इसमें ध्यान से। देखिएगा यहाँ से देखिए चेन को लेकर एक हो गया, ये दो हो गया, दो के बाद ये तीन और तीन के बाद ये चार। देखिएगा ध्यान से चार हो गया। अब यहाँ पे हम देखिए ऐसे करते हुए इस पाइपिंग और मोती को यहाँ पे ऐसे लगा देंगे इसमें ऐसे करके। देखिए इस तरीके से इसमें करके ऐसे लगा देंगे, इस थ्रेड को ऐसे खींचेंगे और इसको थोड़ा इधर साइड में रखेंगे और खींचने के बाद देखिए इस मोती को पहले हम इसमें पिरोएंगे। देखिए पिरोने का तरीका ध्यान से देखिए, आपको हम दिखा देते हैं बढ़िया से किस तरीके से पिरोएंगे। देखिए इस तरीके से है, देखिए ध्यान से ऐसे करके इस मोती को ऐसे क्रोशे में इस मोती को पिरोएंगे। देखिए पहले इस तरह नीडल डालते हैं मोती में, वैसे इसको डालेंगे और इसको इसमें डालेंगे और इस हम थ्रेड से जिस बुनाई के थे उसको छोड़ देंगे। देखिए इसी छोड़े हुए थ्रेड को इस तरीके से लेके इसमें से हम खींच कर निकाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से निकालेंगे और फिर देखिएगा ये जो है ना इसको ऐसे खींचेंगे, ऐसे देखिए खींचेंगे, देखिएगा इधर से एक देखिए धागा निकल रहा है खींचने पे, इतना बड़ा हो गया। ऐसे खींचेंगे और फिर जो हमारा ये पाइपिंग है इसको हम इसमें डालेंगे। तो ये भी देखिए ये ऐसे पतला वाला ही है, तो इसको लकड़ी की सहायता से डाल देते हैं अंदर इसके। देखिए मतलब जिस तरीके से आप बनाना चाहें, ये देखिए इस तरीके से लकड़ी से डालेंगे इसको अंदर करेंगे। देखिए इस तरीके से डाल दिया हमने अंदर, इसको ऐसे लेंगे, इधर से एक मोती लेंगे और देखिए इस मोती में फिर इस क्रोशिया को डालना है ऐसे और फिर इसमें से निकाल देना है ऐसे। तो इसको हम पूरा आपको बना करके थोड़ा सा फिर दिखाते हैं, हमने प्रोसेस बता दिया आपको कि किस तरीके से इसको हम बहुत इजी वे में बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बनेगा ऐसे, सेम यही प्रोसेस करते हुए इस पूरी टर्न पट्टी को हमने ब्लू वाली को ऐसे ही कंप्लीट किया है। ये देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से थोड़ा सा और बना करके फिर दिखाते हैं आपको इसका लुक। ये देखिए इस तरीके से हमारी टर्न पट्टी बन करके कंप्लीट हो गई है। डिजाइन ये देखिए
सेम यही प्रोसेस इसका है, जिस तरीके से इसको हमने बनाया है सेम उसी प्रोसेस से इसको भी हमने वैसे ही बनाया है। ये देखिए, तो इसी तरीके से टूटन पट्टी की डिज़ाइन को हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर के। थैंक यू।